फ्रेंड्स, कहा गया है कि तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो तो खुद ही समझ लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। सो तालीम आपको इस यूनिवर्सिटी में, जीने यूनिवर्सिटी में बखूब बड़ी अच्छी दी जा रही है, आई एम क्वाइट श्योर ऑफ दैट। इस डिस्कशन का आज काम यह है कि आपको आसमानों की ऊंचाई दिखाई जाए। अक्सर जोर दिया जाता है पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट, स्टूडेंट की पर्सनैलिटी डिवेलप करें। हरियाणा में एक इंस्टीट्यूट ने मुझे इन्वाइट किया और जैसे ये जो उसके जो लीडर थे यूनिवर्सिटी जो इंस्टीट्यूट के, उन्होंने स्टूडेंट्स के डिस्कशन से पहले मुझे जो ब्रीफिंग दी, उन्होंने बोला, सिमरजीत इन बच्चे बड़े सिंपल बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, रूरल बैकग्राउंड से बच्चे हैं, इनको ज्यादा बड़े बड़े सपने मत दिखाना इनको, बट इनकी थोड़ा सा ना ऊपर से सब, इनको बस वो चलना ढलना थोड़ा वैसा पर्सनैलिटी बना दो, इनकी सूट टाई कैसे पहनना है, हैंडशेक कैसे करना है, इंग्लिश के दो चार लफ्ज जो है वो रटवा दो। मेरा मानना है रट्टा मारना बड़ा डेंजरस होता है दोस्त। यस और नो? यस, इट्स वेरी वेरी डेंजरस ऑलवेज। वो कुछ लोगों से शायद मैंने स्टोरी पहले शेयर की होगी, आज फिर शेयर करता हूँ कि जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने जब प्रेसिडेंट ओबामा को मिलना था, अगर पहले सुनी एक बार फिर से सुनना ध्यान से, बिकॉज द लेसन इज वेरी वेरी पावरफुल। कहते हैं कि प्रेसिडेंट ओबामा के जब ये प्रेसिडेंट बने यूएस के, तो इनको जापान के दौरे पर जाना था, जापानीज प्राइम मिनिस्टर को इंग्लिश अच्छे से नहीं आती थी, तो इन्होंने कोच को हायर किया कि उनको वो बेसिक मीट एंड ग्रीट, जैसे कहते हैं ना कि वो थोड़ा बहुत ऊपर से इंग्लिश के लफ्ज रटवा दो, तो कोच को हायर किया। कोच ने कहा, सर आपको बिल्कुल नर्वस होने की जरूरत नहीं है, जैसे आप प्रेसिडेंट ओबामा को मिलेंगे तो पहले 4-5 मिनट ही आप अकेले हैं उनके साथ, उसके बाद तो इंटरप्रेटर होंगे जो ट्रांसलेट करते जाएंगे, तो पहले कुछ मिनट कुछ सेंटेंसेस में आपको बता देता हूं, सर उनको अच्छे से याद कर लें। उनको क्या करना है? अच्छे से याद करना है। तो बेचारे सीख रहे हैं, वॉज ए गुड स्टूडेंट, हाँ, not like some of you naughty students, but he was a good student, he was a very diligent student. Unhone kaha, theek hai, pehla sentence kya hai, kaise jaise aap president obama se milenge to aapne unko kehna hai ki hello how are you today, right? To which president obama is most likely to respond, I am fine thank you, how about you? Us sentence ka aap jawab dijiyega, me too thank you. Pehla sentence kaun sa ratwaya japanese prime minister ko? How are you today? सेकेंड सेंटेंस, मी टू थैंक यू। सर बस ये दो सेंटेंस याद कर लो, रट्टा मार लो, इस इम्तिहान में आप पास हो जाओ। उन्होंने याद कर लिया, पर जैसे होता है कि रट्टे के साथ कई बार होता है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती है पर लास्ट मिनट पे वो भूल जाता है ना। कहते हैं वो स्कूल के ऐसे की बात थी, एक बार एक यंगस्टर ने याद किया था कि माई फेवरेट एनिमल था और पता नहीं माई फादर पे ऐसे आ गया, कुछ ऐसे चक्कर था ना, तो उसने बेचारे को जो याद था उसको फिट करके लिख लिया उसने कि आई हैव मेनी फादर्स बट माई फेवरेट फादर इज दिस वन, he has 4 legs and 1 tail. वो क्या कर रहे, उसने जो रट्टा मारा था वही लिख दिया। तो कुछ ऐसी स्थिति हमारे जापानीज प्राइम मिनिस्टर की हुई, इनको अपना ओपनिंग जो डायलॉग था, उस देखिए मीडिया की लाइट्स थी, हर वर्ल्ड का मीडिया था वहां पे, ओपनिंग डायलॉग भूल गया, कंफ्यूज हो गए, इंस्टेड ऑफ आस्किंग हाउ आर यू ही आस्क्ड हिम वेरी लाउडली इन फ्रंट ऑफ द प्रेस, हु आर यू? प्रेसिडेंट ओबामा वाज टेकन अ लिटिल बैक विद द दिस क्वेश्चन, बट ही इज अ गाय हु इज नोन फॉर हिज ह्यूमर, वो हंसी में काफी चीजें टाल देते। तो उन्होंने जवाब दिया, ओ मी, वहां उनकी वाइफ बैठी थी मिशेल कोने में, तो उन्होंने कहा आई एम मिशेल्स हस्बैंड। और जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने जो उन्होंने रट्टा लगाया हुआ था, उन्होंने नेक्स्ट सेंटेंस दिया, मी टू थैंक यू। और उसके बाद इतनी शांति हुई उस रूम में कि पूछिए मत। अब ये नहीं पता है कि नीचे कॉमेंट्स में यूट्यूब में आना शुरू हो जाएगा, सर ऐसे नहीं हुआ था, इट्स अ स्टोरी, ओके, इट्स नॉट अ रियल इंसिडेंट, बट इट्स अ पावरफुल स्टोरी टू डेमोन्स्ट्रेट कि रट्टा मारना कितना खतरनाक है और हमारे सिस्टम में कितना इनकरेज किया जाता है। आपको आज के जमाने में अगर एक्सेल करना है सो पर्सनैलिटी से बियॉन्ड स्किल्स पर देखिए, पर्सनैलिटी से बियॉन्ड कैरेक्टर पर देखिए, वैल्यूज पर देखिए, पर्सनैलिटी इज ओनली सुपरफिशियल। दिस वी हैव टू लर्न, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट वी आर लर्निंग, नॉट जस्ट रोट मेमोराइजेशन। सिर्फ रट्टा मार के कोई व्यक्ति ज्यादा आगे नहीं पहुंच सकता। अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम, हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम इस चीज को इनकरेज करता आया है, बट मेरी आशा है कि इस युवा पीढ़ी के साथ हम इस चीज को बदल सकते हैं। हम अंडरस्टैंड करें व्हाट, व्हाई, व्हाई नॉट, हाउ, व्हाट इफ, राइट, इन सब सवालों को समझने की जैसे हम कोशिश करेंगे, यू विल यूज योर जनरल इंटेलिजेंस। आई ऑलवेज शेयर्ड विद यू, इंटेलिजेंस इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, एक जनरल इंटेलिजेंस होती है, एक डोमेन इंटेलिजेंस होती है। होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को डोमेन इंटेलिजेंस है कि यू नो किस चीज को किस टेम्परेचर पर कुक करना है। एक जनरल इंटेलिजेंस होती है जो हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए कि किसी भी प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है। दिस इज नॉट यूजली टॉट,
If you have a problem, a customer problem, और हमारे liberal arts के students भी कल को customer service environment में काम कर सकते हैं. Anyone can be working. How to deal with the customer service issue? ये एक domain intelligence नहीं है. ये common sense है. Yes or no? तो ये चीजों पर focus करना. This is how the future we can deal with the uncertainties of the future. तो मैं उस चीज पर वापस आता हूँ एक बार. पर्सनैलिटी जो है कि इनको चलना फिरना सिखा दो. मैं कह नहीं, मैं सिर्फ इनको आसमान की ऊंचाई दिखा सकता हूँ. क्योंकि मेरा मानना है जब व्यक्ति के पास विजन होता है, जब उसके पास कुछ ड्रीम होता है, चलना फिरना भी सीख लेता है, अच्छे से तैयार होना भी सीख लेता है, वो सब ढंग तरीके सीख लेता है, प्रोवाइडेड उसके अंदर की आग होनी चाहिए. किसी शायर ने खूबी लिखा है कि ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में. बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं अगर आग लगी हो सीने में. अगर सीने की आग है स्टूडेंट के अंदर कि मुझे कुछ करना है, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी. यू विल अक्वायर द स्किल्स. साइकोलॉजी की स्टडी में से इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं. व्हाट्स इट कॉल्ड? इंट्रिंसिक मोटिवेशन. सो व्हाट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन? आई एम मोटिवेटेड बाय द टास्क इटसेल्फ. इट्स इंट्रिंसिक. मुझे रिवॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे उसकी कोई रिकॉग्निशन नहीं चाहिए. मैं उसको किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं कर रहा हूं. मैं वो कर रहा हूं बिकॉज आई एंजॉय इट. मैं वो कर रहा हूं क्योंकि मेरी अंदर से आवाज है कि वो चीज मुझे करनी चाहिए. दैट थिंग विल टेक यू वेरी वेरी फार. पर्सनैलिटी इज वेरी इजी टू डेवलप. आई वॉज गोइंग फॉर अ वीजा फोटोग्राफ रिसेंटली और उनकी बड़ी स्पेसिफिकेशंस थी कि व्हाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए और जो फोटोग्राफ का इतनी डायमेंशन होनी चाहिए. तो मेरे पास वो फोटो नहीं थी. आई हैड टू गो टू अ फोटो स्टूडियो टू गेट दैट फोटो शॉट डन. वहां क्या हुआ कि मेरे से पहले एक नौजवान आए. मैं सूट पहन के गया था कि फोटो अच्छी आनी चाहिए. मेरे से पहले एक नौजवान आए, उन्होंने सिर्फ राउंड नेक टी शर्ट पहनी हुई थी. वो फोटो खिंचवा के चले गए और जैसे बाहर आए तो देखिए फोटोशॉप का कमाल, क्योंकि पर्सनैलिटी फोटोशॉप से भी बन जाती है. Yes or no? तो जैसे वो बाहर आया तो फोटोग्राफर ने उसे पूछा, सर इसके ऊपर शर्ट कौन सी लगानी है, इसके ऊपर टाई कौन सी लगानी है, इसके ऊपर सूट कौन सा लगाना है, और सारा उन्होंने वो एयर ब्रशेज वगैरह यूज करके बंदे का हुलिया बदल दिया. यार बन गई पर्सनैलिटी. है पर्सनैलिटी इज दैट इजी टू बिल्ड योर कैरेक्टर, टू बिल्ड योर वैल्यूज, टू बिल्ड योर स्किल्स, टू बिल्ड योर विजन. ये चीजें थोड़ी मुश्किल हैं, पर इन चीजों पर ज्यादा एम्फेसिस दीजिए. सो बिकॉज जो है, सी वेयर द हर्ड इज गोइंग, वेयर द हर्ड मेंटेलिटी. ज्यादातर लोगों की समय है पर्सनैलिटी डिवेलप हो. आई जस्ट से इट इज द एक्सटीरियर. आप एक बेकरी में जाएंगे, सिर्फ आइसिंग नहीं खरीदेंगे, केक भी साथ में लाएंगे. केक भी हो और अच्छी आइसिंग भी हो, ज्यादा अच्छा लगता है. सो विद दीज थॉट्स वी विल स्टार्ट अवर सेशन टुडे.